ओम शांति। भारतीय सनातन संस्कृति के, देवी देवता संस्कृति के स्थापक, भारत में पुनः दैवी स्वराज्य की स्थापना करने वाले परमेश्वर गीता ज्ञानदाता, हम और आप सबके परमपिता परमात्मा शिव को याद करते हुए आज के श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा सत्य धर्म की पुनर्स्थापना, उसके लिए हमारा क्या योगदान है, हम क्या सहयोग दे सकते हैं, इसके बारे में हम आज गीता के माध्यम से सुनेंगे। छोटे छोटे बच्चों ने हमें बहुत अच्छी प्रेरणा दी, जो बड़े नहीं कर पाए हम छोटे कर दिखाएंगे। बहुत अर्थ है इस गीत में। बड़े बड़े कहलाने वाले, पैसे वाले, औहदे वाले, ताकत वाले, सरकार में बैठे हुए लोग जो परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, वो परिवर्तन हम और आप साधारण मनुष्य कर सकते हैं, क्योंकि भगवान साधारण मनुष्यों के परिवर्तन हेतु इस धरती पर अवतरित होते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता ये हमारे लिए एक बहुत सुंदर विश्वास है, उम्मीद है कि अवश्य भारत में भगवान आएगा। सदियों का इंतजार रहा भगवान के लिए, हम ढूंढते रहे और भाग्य हमारा खुल गया, स्वयं भगवान इस धरा पर अवतरित होकर मनुष्य आत्माओं के कल्याण के लिए पुनः गीता ज्ञान सुना रहे हैं। तो जैसे कि भगवद गीता का मूल उद्देश्य क्या है, भारत में पुनः धर्म स्थापना करना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। मैं इस धरा पर क्यों आता हूं, धर्म स्थापना करने के लिए। क्या दुनिया में धर्मों की कमी है? कितने सारे धर्म हैं? क्या भगवान और एक नया धर्म स्थापन करेगा? नहीं, भगवान प्रति एक मनुष्य आत्मा के स्वधर्म की पुनर्स्थापना करेगा जो खो गया है। नाम शांति रखते हैं, अंदर शांति नहीं है। नाम प्रेम कुमारी रखते हैं, प्रेम का भाव नहीं है। नाम आनंद मूर्ति रखते हैं, आनंद है नहीं। नाम मात्र के हम जो रह गए हैं, स्वधर्म से भटक गए हैं। ऐसे मनुष्य आत्माओं को स्वधर्म के द्वारा जागृत कर, हर एक मनुष्य आत्मा के स्वधर्म की जागृति से दुनिया में पुनः सत्य धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से परमात्मा का अवतरण इस धरती पर, पवित्र भारत भूमि पर हुआ है। और परमात्मा इस धरती का परिवर्तन कैसे करेंगे, उसके लिए परमात्मा ने योग का मार्ग अपनाया। लोग समझते थे 21वीं सदी पागलों की सदी हो जाएगी। 21वीं सदी आने वाली थी, तब बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने अंदाजा लगाया था कि विश्व पागलों की हो जाएगी, सदी पागलों की हो जाएगी, पैनिक सेंचुरी, मे बी पैनिक सेंचुरी। बट ऐसे नहीं हुआ। 21वीं सदी योग की सेंचुरी हो गई, योग की सदी हो गई। दुनिया भर में लोग योग की बातें कर रहे हैं,
भले वो योगासन की बातें कर रहे हैं लेकिन शुरुआत तो हुई है ना। तो आज हम जो राजयोग है, भगवान जो सिखाए हैं, उसकी बातें सुनेंगे गीता के माध्यम से। वैसे आज दुनिया में पतंजलि महर्षि की सिखाई हुई अष्टांग योग बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन उसके भी पूरी तरह से कोई कर नहीं रहा है। अष्ट अंग है योग के, है ना। अष्टांग योग का मतलब है योग के अष्ट अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। ये आठ अंग है योग के। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, योग के नाम से योगासन करते जा रहे हैं और प्राणायाम करते जा रहे हैं। यम नहीं, नियम नहीं, प्रत्याहार नहीं, धारणा नहीं, कुछ भी नहीं, तो योग कैसे होगा। इसलिए मनुष्यात्माएं योग सीखने और सिखाने में जब असमर्थ माने गए, तब योग सिखाने स्वयं योगेश्वर परमात्मा गीता ज्ञान दाता को इस धरा पर अवतरित होना अनिवार्य हुआ। सदियों से जिसकी हम आशा लेके बैठे थे कि एक दिन भगवान आएगा, है ना, भारत वालों की तो पक्की आशा थी। इसलिए घर के सामने कुत्ता आता है तो खाना खिलाते, गाय आती है तो खाना खिलाते, भीख मांगने आते तो हाथ खाली नहीं बेचते। पता नहीं कौन किसके रूप में भगवान आ जाएगा। लेकिन क्या उन रूपों में भगवान आता तो हम उनसे कुछ ले पाते, हमारे अंदर कोई बदलाव हो पाता। नहीं, मनुष्य आत्माओं को बदलना है तो मनुष्य के रूप में भगवान का आना अनिवार्य है। मनुष्यों को ज्ञान सुनाने के लिए अगर भगवान देव रूप में आता तो भी कोई फायदा नहीं था। अगर मनुष्यों को सुधारने भगवान प्राणी रूप में आता तो भी कोई फायदा नहीं है। मनुष्यों को सुधारने के लिए मनुष्य के शरीर में अगर भगवान आता है तो मनुष्य की बोली से भगवान सुनाता है, तभी मनुष्यों में परिवर्तन संभवनीय है। इसलिए भगवान योगेश्वर ने मनुष्यात्माओं को राजयोग के माध्यम से स्वयं के अंदर की जागृति का ज्ञान दिया। इतना ही नहीं, खुद राजयोग सिखाया। इसलिए गीता एक योग शास्त्र है। और हम सुनते हैं गीता में योग के बारे में क्या कहा गया है। एक बहुत सुंदर श्लोक है गीता का, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते, जो लोग मुझे अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं, तेषां नित्याभियुक्तानां, ऐसे लोगों का जो रोज रोज मेरी उपासना अनन्य भाव से करते हैं, उनका योग क्षेम, उनकी जिम्मेवारी सब मैं लेता हूं। अनन्यता क्या है? अन्य कोई नहीं, यह है अनन्यता। तेरे बिना और कोई नहीं है। गीता कहती है, मै चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदी। भगवान को अव्यभिचारी योग से याद करना चाहिए। कैसे याद करें? अव्यभिचारी, इधर उधर उनके इनके साथ नहीं, एक ही भगवान के साथ हम अपने दिल लगाए, मन लगाए, बुद्धि लगाए, तभी हम भगवान से कुछ पा सकते हैं। ऐसे भगवान ने जो अनन्य भाव से याद करने के लिए हमें कहा है, तो चलिए आज भगवान के सिखाए हुए उस योग की स्पष्टता सुनेंगे भगवान के ही बातों से। आपको पता हो, सूरज को देखने के लिए सूरज की ही रोशनी चाहिए। अब इतने बड़े बड़े लाइट लगे हैं, क्या इन लाइटों में हम सूरज को देख सकते हैं क्या, बताइए। फ्लड लाइट्स, बड़े बड़े लाइट्स लग जाए तो क्या इन लाइट्स से हम सूरज को देख सकते हैं? संभव है? नहीं है। सूरज को देखने के लिए सूरज की रोशनी की ही जरूरत है।
इसी तरह भगवान को समझने, भगवान को जानने, भगवान को देखने के लिए भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान प्रकाश ही चाहिए। मोमबत्ती की प्रकाश में, कैंडल की रोशनी में हम सूरज को जैसे देख नहीं सकते, वैसे कोई भी मनुष्यात्मा की बातों से भगवान से हम मिल नहीं सकते। इसलिए भगवान ने कहा है, नमे विदुसुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहमादिरिहि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। नमे विदुसुरगणः प्रभवं न महर्षयः, मेरे बारे में देवता महर्षि कोई नहीं जानते, क्योंकि मैं उन सब का आदि हूँ। मेरे बारे में मैं अकेला ही समझा सकता हूँ। भगवान के बारे में जो भी हम बातें करते हैं वो हम अपनी समझ से करते हैं, लेकिन भगवान जो सुनाता है वो खुद का पहचान यथार्थ देता है। तो ऐसे भगवान वाच के माध्यम से भगवान ने जो योग की बातें सुनाई, विशेषतर दो श्लोक है जो भगवान ने योग के बारे में सुनाए हैं। एक है, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते, अर्थात अच्छा कर्म हो या बुरे कर्म हो, हमारा बुद्धि सदैव एक जैसा होना चाहिए। और तस्मात् योगाय युज्यस्व, योग माना संबंध है, योग कर्म सुकौशलम, सुकर्म करने की कुशलता को ही योग कहते हैं। सुकर्म करने की कुशलता को ही योग कहते हैं। कर्म तो हर कोई करता है। देखिए, सामान्य कर्म, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, हर कोई करता है। लेकिन अगर उस कर्म को कुशलता पूर्वक करे, है ना, उनका नाम रोशन हो जाता है। तो हम हर कर्म को सुकर्म कैसे बनाए, ये है योग। योग कर्म सुकर्म कैसे होगा बताइए मुझे। अभी हमें, मैं माताओं से पूछूंगी, माताएं खाना तो बनाती है, रोटी बनाती है, चावल बनाती है, दाल चावल बनाती है, तीनों समय। आप खाना बनाते समय अगर गुस्से से, नाराजगी से, परेशानी से खाना बनाएंगे तो वो कर्म सुकर्म कहलाएगा नहीं। अगर वही खाना बताते समय अगर आप भगवान को याद करते हुए खाना बनाएगी, ये भगवान के नाम लेके खाना बनाएगी, तो वो कर्म क्या हो गया, सुकर्म हो गया। कोई गाड़ी चला रहा है, ट्रैफिक में फंसा हुआ है, और क्या ये ट्रैफिक, इतनी ट्रैफिक, पता नहीं क्या क्या, ऐसे ऐसे वैसी बातें सोचता है, तो गाड़ी चलाने का जो काम कर रहा है वो भी कर्म हो गया। अगर वो गाड़ी चला रहा है, ट्रैफिक में फंस भी गया है, कोई बात नहीं, ठीक है, भगवान को याद करते हुए जब ट्रैफिक खुलेगा मैं जाऊंगा, मन को शांत रख के गाड़ी चलाता है, तो वो कर्म सुकर्म हो जाता है। काम करते समय जो काम हम कर रहे हैं वो काम भगवान ने मुझे दिया है, और भगवान को साथी बना के जब हम काम करते हैं तो हम जो काम करते हैं वो सुकर्म बन जाता है। तो योग वो है जो हमारे कर्म को सुकर्म बनाए। याद रखना, योग कर्म संन्यास नहीं सिखाता है, योग कर्म योगी बनना सिखाता है। तो हमारा लक्ष्य है, भगवत गीता का भी लक्ष्य है, भगवान का भी उद्देश्य है, हर घर स्वर्ग बन जाए, हर चेहरा मुस्कुराते हुए नजर आए। मेरे पास एक बहुत सुंदर व्हाट्सएप मैसेज आया था कुछ दिन पहले, मैं आपके सामने सुनाऊंगी। एक बुजुर्ग आदमी, वृद्ध आदमी, सवेरे सवेरे नाई की दुकान में पहुंचता है। नाई समझते हो, हेयर कटिंग करने वाला, है ना, उनकी दुकान में पहुंचता है। उस बुजुर्ग आदमी के सिर पर केवल 8 बाल है। कितने बाल है? 8 बाल।
वो जो नाई हजाम था, इस बुजुर्ग को सवेरे सवेरे देखकर उसे गुस्सा आ गया। कैसे ग्राहक आ गया सवेरे सवेरे? गुस्से में उसने पूछा, इन बालों का मैं क्या करूं, गिनती करूं या काट काट डालूं? गुस्से से उसने पूछा, केवल 8 बाल है तेरे सिर पर, इसकी गिनती करूं या काट फेंकूं? उस बुजुर्ग आदमी मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, भाई दोनों काम मत कर, जितने बाल है ना उसे रंग लगा दे। क्या बोला बुजुर्ग ने? हाँ, बाल कितने थे? और बुजुर्ग ने क्या बोला? जितने बाल है उसे रंग लगा दे। इस मैसेज का संदेश क्या है? एंजॉय द लाइफ एज इट इज, जीवन जैसा है उसी में आनंद ढूंढिए। अरे मेरे सिर पर बाल नहीं है, ये से करने से बदले जो है उसी का आनंद लीजिए, जो भगवान ने हमारे जीवन रूपी थाली में परोस के दिया है उसी का आनंद लीजिए। हमारी संस्था में एक सिक्योरिटी विंग है, वहां पर एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर रहते हैं। उन्होंने एक बहुत सुंदर अनुभव सुनाया, जासूसी के जुल्म में उनको पाकिस्तानी जेल में बंद कर दिया गया था करीब 15 साल। और जासूसी के जुल्म में बंद किया था तो इनको रोटी भी नहीं देते थे, पता है क्या खिलाते थे वो लोग? आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, घास की रोटी खिलाते थे। क्या खिलाते थे? घास की रोटी, जो मनुष्य खा ही नहीं सकता। और इनके साथ और भी लोग थे भारतवासी कुछ जेल में, तो ये भाई कहता था, मुझे कैसे भी वापस भारत जाना है, इसलिए मुझे जीना है, मरना नहीं है, घास की सही मैं वही रोटी खाऊंगा। और आपको पता है पंजाबी भाई है वो, पंजाबी में मकाई की रोटी है ना और सरसों का साग, उसके ऊपर इतने मक्खन, इतने लंबे लंबे छाछ, बहुत फेमस है। और उनको कुछ नहीं मिलता था, घास की रोटी मिलती थी और पानी मिलता था। और अपने साथी जो रहते थे उनको वो कहते थे, भाई देखो देखो हमारे माँ बहनों ने प्यार से हमें मकाई की रोटी भेजी है, अरे याद करो मकाई की रोटी और खाओ, और जो पानी है उसे छाछ पह समझ कर पी लो, हमें जीना है। वो भाई कहता है, 15 साल दीदी, 1-2 दिन नहीं, हम लोग घास की रोटी खा के जिए और अब वापस भारत आए हैं। ये है मन की ताकत। ये क्या है? मन की ताकत। जैसे सोचोगे वैसे बनोगे। अगर सोच भगवान के साथ का हो, जीने की उम्मीद का हो, जीना ही है और अच्छी तरह जीना है। कष्ट तो आएंगे, चलने वालों को ही कष्ट आते हैं, सोने वालों के पास कष्ट नहीं। चलने गाड़ी चलाने वाले के सामने ही अलग गाड़ियां आती है, विघ्न आते हैं, तो हमें उसे पार करके जाना है। ये ताकत हमें मिलता है किससे? भगवान को याद करने से। वो भाई कहता है, बचपन से उसको उनकी माँ ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाती थी, जिसके कारण उसको ज्ञान थोड़ा सा था ही बचपन से, इसलिए वो कैसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारा जो वापस लौट के आया। तो क्या हम अपने जीवन की कठिनाइयों को पार करने के लिए भगवान को अपना साथी नहीं बना सकते? बना सकते कि नहीं बना सकते, बताइए कौन कौन चाहेंगे भगवान को साथी बनाए हमारे जीवन में? हाँ, भगवान ने तो हमें अपना साथी बना ही लिया है, लेकिन हमें उनका साथ निभाना है, ठीक है। और योग के बारे में गीता और एक बहुत सुंदर खूबसूरत बात कहती है, योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग में रहकर कर्म करना है, सिद्धि और असिद्धि में समभाव रखना है, और समत्व भाव को ही योग कहते हैं। समत्व भाव को ही योग कहते हैं। बताइए समत्व भाव क्या है? जितना हम शरीर को
समय देते हैं, क्या इतना समय हम आत्मा की उन्नति के लिए दे पाते हैं, दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। शरीर के लिए, कमाने के लिए, खाने के लिए हम 24 घंटे देते हैं, 8 घंटे सोते हैं, 8 घंटे कमाते हैं, 8 घंटे निभाते हैं, क्या उसमें से थोड़ा समय हम अपने लिए नहीं निकाल सकते? हम भगवान को तब याद करते हैं जब हमारे पास कोई कष्ट आए। हम सुख में हैं तो भगवान को कोई याद ही नहीं करते, है ना? एक बहुत सुंदर बात है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए, है ना? अगर सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए। तो इसलिए अब समय है भगवान को याद करने का, ये सही समय है, जरूरत है भगवान को याद करने का। तो भगवान को याद करने की जरूरत को महसूस करते हुए ये जो भगवान ने कहा समत्व माना क्या है, जैसे देखिए शरीर के लिए हम खाना बनाते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, घर बनाते हैं, तो आत्मा के लिए दिन में आधा घंटा कम से कम हम अपने लिए निकाले, भगवान से बातें करें, तब आत्मा की उन्नति हो। और अगर आत्मा तंदुरुस्त है तो शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। आपको पता है आज दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं, 90% ऑफ डिजीज ड्यू टू मेंटल टेंशन ओनली। 90% बीमारियां मानसिक तनाव के कारण ही है। छोटे छोटे बच्चों को पैरों में दर्द होने लगा है, सिर में दर्द होने लगा है, ये सभी का कारण क्या है? मानसिक तनाव। तनाव इतना सर्वव्यापी हो गया है कि किसी के घर में तनाव ना हो ऐसे है ही नहीं, सब तनाव ग्रस्त है। छोटे छोटे बच्चों की जेब में या डायाजिन जैसे टैबलेट्स रखते हैं जो एसिडिटी को कम करने के लिए। एसिडिटी क्यों हो रही है? तनाव के कारण हो रहा है। इसलिए भगवद गीता मानसिक तनाव को दूर करने की एक संजीवनी है, मानसिक तनाव को दूर कर मनुष्य को शक्तिशाली बनाने की एक संजीवनी है श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता में भगवान ने बहुत सुंदर बातें कही है। मैंने कल कहा था एक कंडीशन, आज एक और कंडीशन है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। सर्व धर्म माना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये जो धर्म हमने बनाई है, कहते हैं गॉड मेड द मैन एंड मैन मेड द कास्ट। भगवान ने धर्म जाति बनाई नहीं है, ये मनुष्य ने बनाई है। भगवान के दरबार में तो कोई जाति धर्म का भेदभाव बिल्कुल नहीं है। भगवान ने मनुष्यों की रचना की और मनुष्यों ने जाति धर्म की बहुत सारी सीमाएं सरहद कर दिए। इसलिए भगवान ने कहा इन सब धर्मों को त्याग कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। सब धर्मों का त्याग करके भगवान की शरण में आना, देह के भी, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं शाहूकार हूं, मैं गरीब हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं गांव का हूं, मैं शहर का हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, ये सारे जो भावनाएं हैं सारी बाहर रख के आत्मस्वरूप में स्थित होकर अगर भगवान के सामने आते हैं तो मनुष्यात्मा की सारी परेशानियां यूं चुटकी में दूर हो जाती है। और हर संदर्भ में, हर परिस्थिति में हमारी सोच सदैव ऊंची होनी चाहिए। सकारात्मक सोच रखना बहुत जरूरी है, अच्छी सोच रखना। आज दुनिया में सब नेगेटिव सोचते हैं, सब नेगेटिव। अभी कहीं जा रहे हैं, बस अड्डे पर गए हैं, अरे बस समय पर कभी नहीं आती, ऐसे ही सोचते हैं। हर बात में हमारी वो सोच पहले नेगेटिव हो जाती। गीता कहती है, गीता का मूल उद्देश्य है सदैव हमारी सोच शक्तिशाली हो,
संतुष्टं सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सह। संतुष्टं सततं योगी, योगी माना जो संतुष्ट रहता है। अच्छा आपको क्या लगता है, हम सदैव सकारात्मक सोच रख सकते हैं? मैं आपको एक छोटी सी पुराणों की कहानी सुनाती हूँ। एक बार महालक्ष्मी और शनि देव के बीच में बहस हुई। किसके बीच में? महालक्ष्मी जी और शनि देव के बीच में बहस की मुद्दा थी कि कौन ज्यादा खूबसूरत है, शनि देव ज्यादा खूबसूरत है या महालक्ष्मी जी ज्यादा खूबसूरत है। बहस का हल नहीं निकला तो दोनों पहुंचे नारायण के दरबार में। अब नारायण दुविधा में पड़ गए। अगर नारायण कहते हैं महालक्ष्मी खूबसूरत है तो शनि पकड़ लेगा, अगर नारायण कहते हैं शनि देव खूबसूरत है तो बीवी नाराज हो जाएगी, तो किसके पक्ष में सुनाए? उन्होंने क्या किया, नारद जी को कहा तुम बताओ कौन ज्यादा खूबसूरत है। तो पता है नारद जी ने चुटकी में, चुटकी बजाने से पहले जवाब दे दिया, ये कहते हुए जब लक्ष्मी जी आती है तो बहुत खूबसूरत है, जब शनि देव जाते हैं तो बहुत खूबसूरत है। जवाब ठीक है कि नहीं है बताइए। इसका मतलब हम सदैव सकारात्मक सोच रख सकते हैं। परिस्थिति कैसी भी हो अगर हमारा सोचने का उद्देश्य सही हो तो हम सदैव सकारात्मक सोच रख सकते हैं। तो रख सकते हैं ना? तो सकारात्मक सोच रखने के लिए हमें राजयोग के यथार्थ अभ्यास पर फोकस करना है। राजयोग माना खुद को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना। आपको पता है हम जब बोलते हैं एक को दो बोलते, देखिए हम क्या करते हैं, हमारे मन में कोई परेशानी है तो हम मन की परेशानी को कम करने के लिए अपनी सहेली को, दोस्तों को बातें बता देते हैं। उनकी दूसरी सहेली है, वो दूसरी को बताई, वो तीसरी को बताई, तीसरी चौथी को बताई, ऐसे करते हुए हमने कहा एक और उन्होंने सुना एक। मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक स्कूल में ऐसे छोटे छोटे बच्चों को राउंड बिठाया था। एक बच्चे के कान में टीचर ने कहा दिल्ली में एक कुतुब मीनार है। क्या कहा? दिल्ली में एक कुतुब मीनार है, एक बच्चे के कान में कहा। और बच्चे को कहा गया दूसरे बच्चे को सुनाओ, दूसरे बच्चे को सुनाओ, दूसरे बच्चे को सुनाओ। ऐसे सुनाते सुनाते 25वीं बच्ची के पास पूछा गया तुमको क्या सुनाया गया, तो उस बच्ची ने कहा दिल्ली में एक कुत्ता बीमार है। कहा क्या गया था? दिल्ली में एक कुतुब मीनार है। कानों से जुबान, कानों से जुबान, जुबान से कान, ऐसे ट्रांसफर होते 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 25वीं बच्ची को क्या सुनाया गया था? दिल्ली में, हाँ दुनिया में यही होता है, यही परपंच है। हम सुनाते एक है, लोग सुनते एक है, धुना सुनाते दूसरा है। ऐसे करते हुए बातें ही बिगड़ जाती है। ऐसी बिगड़ी हुई बातों को सुधारने के लिए स्वयं बिगड़ी को बनाने वाला भगवान इस धरती पर अवतरित होकर डायरेक्टली हम आत्माओं को हमसे मिलाते। किससे मिलाते? खुद से मिलाते। तुम एक आत्मा हो और अपनी दिल की बातें सुनो और भगवान से बातें करो। इसलिए योग का अर्थ है, योग का अर्थ है भगवान से बातें करना। क्या है? भगवान से बातें करना। इसलिए गीता कहती है मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरो मामे वैश्यसि युक्त्वैवा आत्मानां मत्परायणः। मन मना भव मद भक्तो, मुझ मेरे भक्त बनकर रहो, मध्याजी माम नमस्कुरो, मुझे ही नमस्कार करो, मामे वैश्य से युक्त वैवा, मेरे पर मेरे मन मेरे प्रति ही श्रद्धा रखो, तभी तुम मेरे पास आ जाओगे।
गीता में दो बार ये श्लोक रिपीट होता है। भगवान ने ऐसे क्यों कहा? एक शहर में मैं गीता करा रही थी, ऐसे ही गीता चल रही थी, दूसरे दिन में एक व्यक्ति एक रोज आ रहा था सवेरे शाम। दूसरे दिन के सेशन में एक लड़के ने मेरे से प्रश्न पूछा, 26-25 साल का था, पूछा, दीदी भगवान इतना स्वार्थी क्यों है? मैंने कहा, भगवान कब स्वार्थी हुआ? तो उसने कहा, गीता में भगवान बार बार कहता है मुझे याद करो, मेरी शरण में आ जाओ, है ना, गीता में बार बार कहता है, मामेकम शरणम रज तमेव शरणम गच्छ मन्मना भव, बार बार कहता है। तो भगवान दूसरों को याद करने से इतना जलता क्यों है? अरे वंडरफुल क्वेश्चन, मुझे लगा ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं क्या। लेकिन वो बच्चा जो रोज सुन रहा था बहुत प्राध्यात्मता सुन रहा था, यूं ही प्रश्न नहीं किया था उसने। तो मैंने कहा, ठीक है बच्चा, कल मतलब शाम के सेशन में मैं आपको जवाब दूंगी। आप सोचिए, भगवान ने ऐसे क्यों कहा? भगवान ने तन मनाभव नहीं कहा, जन मनाभव नहीं कहा, धन मनाभव नहीं कहा, कहा तो कहा मन मनाभव कहा। क्यों कहा? जन से बुद्धि लगाकर देखा है ना, लोगों से संबंधियों से बुद्धि योग लगाकर देखा, मोह बढ़ता ही गया। पैसे से मन लगाकर देखा, लोभ बढ़ता ही गया। तन से बुद्धि लगाकर देखा, देह का अभिमान इतना हद तक बढ़ गया, कुछ लोगों को पहनने के लिए कपड़े नहीं है तो कुछ लोग फटे हुए कपड़े पहनते, इतना देह अभिमान बढ़ गया। आप मुझे पता नहीं था, अभी आते समय, अभी आ रही थी तो मैंने हुबली से फ्लाइट में बैठी, एक पहचान वाला लड़का था, उसका पैंट है ना घुटनों में फटा हुआ था। मैंने कहा, क्या भाई ये फटा हुआ पैंट पहन के आया है, घर वालों की इज्जत क्या तेरे को इतनी प्यारी है क्या? कहता है, दीदी ऐसे नहीं है, ये बहुत महंगा पैंट है। मुझे पता नहीं था फटा हुआ पैंट भी महंगा मिलता है, सच में है क्या भाई बताओ, मुझे पता नहीं है। अरे बाप रे, कुछ लोग है बेचारों को तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है, कुछ लोग हैं जो तन ढकने के कपड़े हैं वो काटे जा रहे हैं। बताइए देहाभिमान कितना हद तक बढ़ गया है। इसलिए भगवान ने ये सब देखा, सब जगह बुद्धि लगाकर देख लिया ना, कुछ फायदा नहीं हुआ। आखिर मेरे में मन लगाकर देखो, तन में लगाकर देखा, जन में लगाकर देखा, धन में लगाकर देखा, औधे में लगाकर देखा, सब जगह लगाकर देखा, अहंकार बढ़ा, काम बढ़ा, क्रोध बढ़ा, मोह बढ़ गया, लेकिन मनुष्य सुखी नहीं हुआ। तो भगवान इसलिए कहते हैं, सब जगह ढूंढा ना, अब मेरी बात मान, मेरे में मन लगा। क्यों मेरे में मन लगा? मैं गीता ज्ञान दाता, सर्वशक्तिमान, सर्वलोक महेश्वर, अव्यक्त, अजन्मा, ईश्वर, मैं ज्ञान का सागर हूं, शांति का सागर हूं, प्रेम का सागर हूं, मेरे में अहंकार नहीं है, मैं निरहंकारी हूं, मेरे में स्वार्थ नहीं है, मेरे में मोह नहीं है, निर्ममा, हाँ उसकी परिभाषा क्या आती है, निर्ममा, ममकार नहीं है जिसको। ऐसी दुनिया की महान हस्ती परमात्मा से मन लगाकर तो देखो, तुम्हारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भरा हुआ है, जिससे तुम छूटना चाहते हो, छोड़ नहीं सकते हो, तुम डेफिनेटली बाहर आ जाओगे। इसलिए मन मनाभव भगवान ने स्वार्थवश नहीं कहा, जलन के वश नहीं कहा, हमारे उद्धार के लिए, मनुष्यात्माओं के कल्याण के लिए भगवान ने खास कहा है, बच्चे मन मेरे में लगाओ, क्योंकि जहां मन लगता है वैसा ही बन जाता है। और हमारे पूर्वजों ने कहा है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण
मनुष्य का खुद का मन है। जब से हमने इंग्लिश सीखा है तब से एक प्रोवर्ब कहावत सीखा है, एस यू थिंक सो शल यू बिकम, जैसे सोचोगे वैसे बनोगे। सुना है ना ये बात, तो हम सबने सुना है, जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। क्या हमारी सोच में बदलाव आया? नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे में मन लगाओ, तुम्हारे सोच में बदलाव आएगी, तुम्हारे निर्णय में बदलाव आएगी, तुम्हारे जीवन विधान में बदलाव आएगी। तो जीवन विधान बदलेगा, तुम बदलोगे, एक 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 बदलते दुनिया ही बदल जाएगी, ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। मंजूर है कि नहीं है बताइए? दुनिया को स्वर्ग बनाना है या यूं ही नर्क में रहना है, क्या चाहते हो? कौन कौन चाहता है कि हम दुनिया को स्वर्ग बनाए? पक्का दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ। यस, हम सब मिलके भारत को, यानी पूरी दुनिया को क्या करेंगे? स्वर्ग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? सज धज के देवी जैसे नहीं, अंदर से सजेंगे। कैसे सजेंगे? अंदर से सजेंगे। गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते पितृवंशो निरर्थका। आपका वंश कौन सा है ये कोई मायने नहीं रखता, आप में गुण कौन सा है इसके आधार से आप पूजे जाते हो। अगर भगवान की याद करने से, भगवान को याद करने से, भगवान के साथ योग रखने से हमारे अंदर में गुण परिवर्तन आता है, अंदर की दैवी गुण जागृत हो जाते हैं, हम अपनी बुराइयों पर विजय पा सकते हैं, हमारे अंदर का रावण मर सकता है, तो इससे बढ़िया योग कौन सा हो सकता है बताइए? दुनिया में एक महिषासुर को मारने के लिए एक दुर्गा माँ को आना पड़ा, एक रावण को मारने के लिए एक राम को आना पड़ा, एक कंस को मारने के लिए कृष्ण को आना पड़ा। आज तो घर घर में, गली गली में कीचक है, जरासंध है, कंस है, रावण है कि नहीं है बताइए? तो ऐसे समय में एक कृष्ण से, एक राम से, एक दुर्गा माँ से कुछ नहीं होने वाला। हर व्यक्ति को अपने अंदर के दुर्गुणों को नाश करने के लिए शक्ति रूप बनना है, हर व्यक्ति को अपने अंदर के कृष्णत्व को जगाना है, हर व्यक्ति को अपने दिल में आराम देने वाले दिलाराम भगवान को बसाना है, तभी हम दुनिया को रावण राज्य से राम राज्य बना सकते हैं। बना सकते कि नहीं बना सकते? इसलिए गीता ज्ञान दाता भगवान बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं, मन मना भव मत भक्तो, मुझे याद करो। हम सवेरे से, अभी 2 मिनट शांति से बैठे, सवेरे से हमने क्या क्या याद किया जरा याद कीजिए। आंख खोलने के बाद क्या क्या याद किया? पहले आंख खोलते ही याद आता है मोबाइल, है ना? मोबाइल पहले याद आता है, मोबाइल उसमें क्या आया? हम सोचते हैं अगर हमने मोबाइल नहीं देखा तो दुनिया भूं हो जाएगा, ऐसे सोचते हैं। न्यूज़पेपर, नाश्ता, खाना, बाल बच्चे, व्यापार, पैसे, बैंक बैलेंस, गाड़ी, सब कुछ याद आया, भगवान को याद किया? अच्छा छोड़िए, अभी आपके सामने एक प्रश्न है। आप सभी के पास मोबाइल तो है ही, आप सभी के घरों में गाड़ियां भी है ही, है ना? आजकल सभी के घरों में 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स कॉमन है, आप सभी के घरों में लोग भी रहते हैं। एक दिन आपकी मोबाइल भी खराब हो गई, आपकी गाड़ी भी खराब हो गई, आपके घर में आपके बीवी से या आपके पति से किसी के साथ 36 का आंकड़ा हो गया। 36 का आंकड़ा समझते हो? तू तू मैं। आप पहले कौन सा ठीक कराओगे बताइए मुझे? मोबाइल भी खराब है, गाड़ी भी खराब है, संबंध भी खराब है, तीनों में से पहले कौन सा ठीक कराओगे? कौन ठीक कराएगा? पहले क्या
कौन कितने हैं जो कहते हैं पहले मोबाइल ठीक कराएंगे, कितने कहते हैं कि गाड़ी ठीक कराएंगे, और कितने जो कहते हैं संबंधों को ठीक कराएंगे। तीनों में हाथ नहीं उठा रहे, इसका मतलब क्या है? संबंधों को ठीक कराएंगे, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं जी। कराना चाहिए संबंधों को ठीक, लेकिन कराते नहीं है। हम सोचते हैं सबके घरों में होता ही है, अपने आप ठीक हो जाएगा, पहले मोबाइल ठीक कराओ, गाड़ी ठीक कराओ, संबंध तो यूं ही रहते हैं, होना ही है। सच में गीता संबंध योग है, भगवान से संबंध जोड़ो, सबसे संबंध सुलझ जाएगा। सबसे संबंध सुलझेगा तब जब हमारा योग भगवान से होगा। इसलिए भगवान ने कहा है, पिता सिलोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरिया। पिता अहमस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकार रुक्सामय जुरेवच। मैं तुम्हारा पिता हूँ, माता हूँ, दाता हूँ, पितामह हूँ, जिसके लिए सदियों से हम गाते आए। भगवान कहता मैं हूँ तुम्हारा सर्व संबंधी। उस पिता के साथ आत्मस्वरूप में स्थित होकर बुद्धि को लगाना, देह भाव को त्याग कर उसे याद करना, इसी को राजयोग कहते हैं। राजत्वात् सर्वयोगानां राजयोग इति श्रुतः। अच्छा ठीक है, ये गीता की बात है। अगर आज की दुनिया के हिसाब से देखें तो हमें योग की क्या जरूरत है? मैंने सुनाया 90% ऑफ डिसीज ड्यू टू मेंटल टेंशन, मानसिक तनाव के कारण ही 90% बीमारियां हैं। अभी आपने कोरोना के टाइम में भी देखा होगा, जिनकी मनोबल स्ट्रांग था वो जिंदा रह गए, जिनका मनोबल वीक था वो कितनी भी सहूलियत होने के बावजूद बच नहीं पाए। इसलिए कहते हैं मनोबलम महाबलम। इसलिए कहते हैं मन जीते जगत जीत। इसलिए आज की दुनिया में मन ठीक है तो सब कुछ ठीक है। मन को शक्तिशाली बनाने का, बुद्धि को समर्थ बनाने का, संस्कारों को पवित्र बनाने का एक ही रास्ता है, परमात्मा को याद करना। पता है आजकल दुनिया में योग को मेडिटेशन कहते हैं। वैसे तो योग को ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, योग योग ही है, योग का ट्रांसलेशन नहीं हो सकता दूसरी भाषा में, योग योग ही है। फिर भी जो मेडिटेशन शब्द है, मेडिटेशन के लिए एक बहुत सुंदर डेफिनेशन है, ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन इज मेडिटेशन। क्या है मेडिटेशन? ऑल अटेंशन ऑन सेल्फ, खुद के ऊपर ध्यान दो, टेंशन नहीं लो, यही मेडिटेशन है। और आपको पता हो 20 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन इज इक्वल टू 4 आवर्स स्लीप। अगर 20 मिनट रोज में यथार्थ रूप से भगवान को याद करेंगे तो आप 4 घंटा सोने के बाद जो आपके मन में ताजापन आता है वो आप महसूस कर सकेंगे। और कल मैंने आपको सुनाया था आत्मा का निवास स्थान परमधाम के बारे में, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ऐसे ही दूसरा एक श्लोक है, अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्थमाह परमं गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। और आपको लगेगा कि हम भारतीय हैं बातें करते, नहीं, एक फ्रेंच भी लेखक है जिसने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखा है जिसका नाम है ह्यूमन हिस्ट्री। उसमें उसने लिखा है कि एक 3 लोकों के बारे में, एक कॉर्पोरियल वर्ल्ड, एक लुमिनस वर्ल्ड, एक सुपर लुमिनस वर्ल्ड। मनुष्य जागते हुए परम धाम का अनुभव करने के लिए, जब जागते हुए अगर आपकी ब्रेन में डेल्टा वेव्स प्रोड्यूस हो
तो आप परमधाम का अनुभव कर सकते हैं। आपको पता हो हमारी दादी जानकी जी थी, 104 साल तक उन्होंने जीवन जिया, हम सबको मार्गदर्शन किया। परम पवित्र श्रद्धेय दादी जानकी जी को वेरी स्टेबल माइंडेड लेडी इन द वर्ल्ड कहते थे, बहुत स्थिर मन की लेडी थी। उनके सामने आप चीखो, चिल्लाओ, डांटो, गाली दो, क्या भी करो, उनकी मनोदशा जो है इतना स्ट्रांग था, जागते हुए उनके ब्रेन में, मस्तिष्क में डेल्टा वेव्स प्रोड्यूस होते थे। डेल्टा वेव्स ब्रेन में गहरी नींद में ही उत्पन्न होते हैं, कईयों को गहरी नींद में भी उत्पन्न नहीं होते हैं। तो ऐसे डेल्टा वेव्स हमारी दादी जी की जागृत अवस्था में ही रहते थे, मानो वो सदैव परमधाम की अनुभूति करती थी। तो राजयोग वो एक विद्या है, जागृत अवस्था में देह से अलग होने का अगर हम अभ्यास करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर डेल्टा वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, जिससे हमारी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में जो राजयोग सिखाया है, मैं आपको स्पष्ट तरह से सुनाऊंगी कि जो ब्रह्मा कुमारी संस्था में हम राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं वही राजयोग है जिसने कल्प पूर्व भगवान ने सुनाया था। तो अच्छा, कल्प की बात आई है तो मैं आपके सामने एक दो गीता की ये बातें भी रख दू। गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में एक बहुत सुंदर श्लोक है, ऊर्ध्व बोलो अदशाकः अश्वत्थम प्राहुरवेयम् चंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद सवेदवित्। ये मानव सृष्टि एक उल्टा वृक्ष है जिसका मूल ऊपर में है, नीचे शाखाएं हैं, इसे अश्वत्थ वृक्ष कहते हैं। बंगाल में भी अश्वत्थ वृक्ष का नाम आप सभी जानते हो, अश्वत्थ पीपल, थोड़ा सा पीपल से अलग है फिर भी पीपल कह देते हैं, लेकिन वास्तविक में अश्वत्थ पीपल नहीं है, पीपल अलग है और अश्वत्थ अलग। हाँ, आपको समझ में आया, इतना काफी है, ठीक है। अश्वत्थ पूजते हैं, अश्वत्थ को पूजते हैं, माताएं परिक्रमा लगाती है ना, धागा बांधते हैं अश्वत्थ के वृक्ष के समय, वट सावित्री की जब पूजा करते हैं तो वहां पर पूजा होती है। भगवान ने मानव सृष्टि को अश्वत्थ वृक्ष से कंपेयर किया, तुलना की है। अश्वत्थ शब्द का अर्थ है अश्वस्थ माना अविनाशी, अश्वत्थ शब्द का अर्थ है अविनाशी। ये मानव सृष्टि अविनाशी है, ये अविनाशी सृष्टि का मूल बीज परमात्मा है जो ऊपर में है, वहां से ये शुरू हुई है। गीता में भगवान कहता है बीजम माम विद्धि पार्थ सनातना, मैं सनातन बीज हूं इस मानव वंश का। इस मानव सृष्टि के अंदर चार युग है जो हम सभी जानते हैं, कृतयुग या सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। अब कौन सा युग चल रहा है? सत्ययुग चल रहा है क्या? कौन सा युग? कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है ना जी। अभी कलयुग के कितने साल बाकी है? हमारे ये मंत्र बोलने वाले बोलते हैं कलयुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे, लेकिन लगता है आपको कलयुग प्रथम पाद में है? कलयुग बच्चा है कि बूढ़ा है बताइए, कलयुग अभी बच्चा है कि बूढ़ा है? कौन कौन कहता है कलयुग बच्चा है जरा बताइए, कौन कौन कहते हैं कलयुग बूढ़ा है? बच्चा है, बच्चा है। अरे बाप रे, अगर बूढ़ा होगा तो फिर क्या होगा इसकी हालत? अभी ही ये हालत है जी। और आप सभी को पता है कलयुग बदल के सतयुग में होना है, जैसे अब रात हो गई है सवेरा होना ही है। रात और सवेरे के बीच में एक काल आता है जिसको ब्रह्मी मुहूर्त कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला। ये वो समय है, संगम युग है, कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। हाँ, महाभारत में एक जगह लिखते हैं कलो पंच सहस्राणे जायते वर्ण संकरा, पांच हजार साल में एक बार वर्ण संकर होता है। तो ये वो समय है, भगवान की जरूरत है। अच्छा, गीता के राजयोग के बारे में
सुनाने से पहले मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि भगवान ने कहा है धर्म ग्लानि के समय पर मैं आऊंगा, है ना। आप में से कोई बैठे कि जो महाभारत में धर्म ग्लानि के लक्षण के बारे में पढ़े हो? महाभारत में धर्म ग्लानि के कुछ लक्षण लिखे हुए हैं। धर्म ग्लानि किसे कहते हैं? करीबन मुझे जितना याद है 16 लक्षण होना चाहिए, लेकिन उनमें से कितना मुझे याद है मैं आपको सुनाऊंगी। धर्म ग्लानि के पहला लक्षण, दूध का व्यापार होगा। धर्म ग्लानि का पहला लक्षण कौन सा है? दूध बेचा जाएगा। यहां जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं आपको याद होगा हमारे बचपन में दूध बेचते नहीं थे, दूध बेचना बुरा मानते थे। दूध अमृत है, उसे यूं ही दे देते थे किसी को, अगर ज्यादा है तो बेचते नहीं थे। आज आपको पता है मिल्क बिजनेस इज द बिगेस्ट बिजनेस, है ना। दूध बेचना एक धर्म ग्लानि का लक्षण है। दूसरा लक्षण, गाय गंदगी खाएगी। गाय गंदगी खाएगी, आप देख रहे हैं वो सभी, कई गाय प्लास्टिक सब खा लेते हैं, फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। केशों का श्रृंगार होगा, बालों का श्रृंगार होगा। एक घटना याद आती है, हुबली से मैं एक दिन दूसरे गांव जा रही थी, कुछ 10 साल पहले, बस में जा रही थी, दौड़ती हुई गई, एक बस खड़ी थी उसमें चढ़ गई, मैं सीट ढूंढ रही थी कहां मिलेगा। एक लड़की के सामने मुझे सीट मिला, मैं वहां बैठी, उसको मैंने लड़की समझ लिया था, पता है उसका इतना, मेरी चोटी से भी लंबी चोटी थी इसलिए, और ये दो यहाँ टंगाया भी था उसने, सोचा लड़की है, जाके बैठ गई। एक घंटा बस चला ही था, शाम बाजू में बैठी हुई ना अगरबत्ती जला ली, समझते हो अगरबत्ती क्या है। हाँ, मैं हैरान होके देखने लगी ये कौन लड़की यहाँ पर अगरबत्ती जलाई, वो लड़की नहीं थी, लड़का था, एक फॉरेन का लड़का था जो बस में बैठ कर अगरबत्ती जलाया था। मैंने उससे कहा, रिक्वेस्ट किया, सॉरी प्लीज, उसने फेंक दिया। मैं क्या कह रही हूँ आपको पता होगा, तिरुपति में बाल जो देते हैं ना उसका व्यापार करोड़ों में हो रहा है, तो मतलब बालों का श्रृंगार कितना हो रहा है आप सभी को पता है, ठीक है। ये तीसरा है। चौथा है, अनाज पुड़ियों में बिकेगा। पहले बोरियों में लाते थे, है ना, अभी अनाज 1 किलो 2 किलो ही लाते हैं, पुड़ियों में बिकेगा, ये भी एक लक्षण है। कन्या अपने मुंह से वर मांगेगी, मुझे यही चाहिए, ये एक लक्षण है धर्म ग्लानि के। चारों वर्ण अपने संस्कृति भूल जाएंगे, आपको पता है चारों वर्ण, ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहा, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं रहा, कोई कोई नहीं रहा है अभी। और अगला लक्षण है, आसमान से आग बरसेगी। क्या होगी? आसमान से आग बरसेगी। बॉम्बिंग होती है तो आसमान से आग ही तो बरसती है। ये सभी हैरान करने वाली बातें नहीं है, हैरान करने वाली बात ये थी, बचपन में जब मैंने महाभारत दादाजी के लिए सुनाया करती थी तब मैंने पढ़ा था, 6 साल की बच्ची मां बनेगी। धर्म ग्लानि का एक लक्षण है, 6 साल की बच्ची मां बनेगी। आप हैरान मत होइए, हमारे देश में ही हो गया है ये। हमारे देश में पिछले साल एक 6 साल की बच्ची ने ट्विंस को जन्म दिया है, 2 बच्चों को। बच्चे का उम्र क्या है? 6 साल। इससे बड़ा धर्म ग्लानि कोई चाहिए क्या, बताइए। आज हमारे देश में 3 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ रहे हैं, 80 साल की बुढ़ियों को नहीं छोड़ रहे हैं, इतनी गंदगी फैली हुई है, तो इससे बढ़कर धर्म ग्लानि चाहिए क्या, और चाहिए क्या। हमारी माँ बाप बहने कोई सुरक्षित नहीं है, बच्चे भी लड़के भी सुरक्षित नहीं है, इतनी असुरक्षता, ये धर्म ग्लानि नहीं है तो और क्या है, बताइए। ये वो समय है जबकि भगवान की सबसे ज्यादा जरूरत है, एक भी व्यक्ति पे विश्वास करने योग्य कोई नहीं रहा है,
इसलिए मनुष्यात्माओं में धर्म स्थापना करने, पुनः धर्म जागृति करने, सत्य धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए गीता ज्ञान दाता परमेश्वर, जिसको हम लोग शिव कहते हैं और कोई कृष्ण कहता है, वो परमात्मा इस धरा पर अवतरित हुए हैं। नाम कुछ भी हो लेकिन उसका स्वरूप तो ज्योति स्वरूप है। बाद में हमने अपने अपने तरीके से नाम लग दिया, कृष्णयति कृष्ण, हाँ पापों का नाश करने वाला, शिव माना कल्याणकारी, सबका शुभ करने वाला शुभकारी, सबका मंगल चाहने वाला मंगलकारी परमात्मा है। स्वयं गीता ज्ञान दाता परमात्मा ने कई बार गीता में खुद को ईश्वर कहा है। इसलिए सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की अभी सबसे ज्यादा जरूरत है, तब उसकी पधरामणी भी हुई है। लेकिन देखिए, सवेरे 6 बजे सूर्योदय हो जाता है, अगर मैं 10 बजे उठती हूं तो मुझे सूरज कितने बजे दिखाई देता है? कितने बजे? 10 बजे, क्योंकि मैंने आंख खोली 10 बजे, लेकिन सूरज तो 6 बजे उदित हो गया है। इसी तरह जब तक हम आत्मा की आंख नहीं खोलते, जब तक हम ज्ञान की आंख नहीं खोलते, तब तक हम परमात्मा को पहचान नहीं सकते। तो गीता ज्ञान परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है, हमारी आत्मा की आंख खोलता है, जिसमें बहुत सारी माया के धूल जम गए हैं, उस धूल को हटा के आत्मशक्ति को जागृत करने का एक बहुत सुंदर तरीका है गीता ज्ञान। तो चलिए, इस गीता ज्ञान के माध्यम से परमात्मा ने जो योग सिखाया, योग सिखाते हुए परमात्मा का उद्देश्य क्या था? हर मनुष्यात्मा को शक्तिशाली बनाना। बहुत सुंदर श्लोक है, मैया आसक्त मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, मेरे में आसक्ति रखकर जो मुझे रोज प्रार्थना करता है, उनकी सारी मनोकामनाएं मैं पूर्ण करता हूं और मैं सदैव उनके साथ रहता हूं। तो बताइए, भगवान को भगवान समझकर याद करने में मजा है या भगवान को पिता मानकर याद करने में आनंद है? आनंद किस में है? पिता मानकर, अपना मानकर, वो मेरा है, भगवान मेरा है, मैं भगवान की हूं, इस श्रद्धा के साथ अगर हम भगवान को याद करते हैं। अच्छा, आप सभी ने इंश्योरेंस किया हुआ है? इंश्योरेंस किया है सभी ने? आजकल तो हर कोई इंश्योरेंस करता है ना? फसलों की भी इंश्योरेंस होती है, गाय की भी इंश्योरेंस होती है, भैंस की भी इंश्योरेंस होती है, आदमी की तो होती ही है। लेकिन मैं अपना आपसे पूछना चाहूंगी, अगले जीवन के लिए आपने क्या इंश्योर किया है? अगला एक जीवन है ना, शरीर छोड़ने के बाद भी एक जीवन है, उसके लिए आपने क्या इंश्योरेंस किया है? किया है किसी ने? फुर्सत नहीं है। एक ही जवाब हमारा क्या है? फुर्सत नहीं। आप सभी को पता हो, जो हमने बैंक बैलेंस बनाया है, जो हमने पैसे कमाए हैं, जो हमने जायदाद बनाया है, जो हमने रिश्ते बनाए हैं, जो हमने ज्वेलरी खरीदा है, जो घर गाड़ी बंगला बनाया है, ये साथ चलेगा? कभी नहीं चलेगा, कभी नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ हमारे सेंटर के नीचे के रास्ते में एक बहुत बड़े शाहूकार रहते हैं, उनके घर में कम से कम 100 किलो तो सोना होगा ही, बहुत बड़े शाहूकार, इकलौता बेटा है, बहुत संपत्ति है। एक दिन मैं वॉकिंग जाके आ रही थी, उनकी बहू क्या कर रही थी, घर की दहलीज पर कीला ठोक रही थी, कील ठोक रही थी। मैंने सोचा ये क्यों कीला ठोक रही है, क्या हुआ है? फिर बाद में उसने मेरे से बात किया, दीदी वॉकिंग गए थे क्या, आपको पता चला मेरी सास का देहांत हो गया है? उनकी सास थी, बुजुर्ग थी। मैंने कहा अच्छा कब हुआ? आज सवेरे हुआ है, 10 बजे लेके आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं बाद में आ जाऊंगी। बाद में मैंने उनसे पूछा आप ये कील क्यों ठोक रहे हो? तो कहती है कि हमारी सासू माँ थी ना, उनके घर में एक बहुत बड़ा स्ट्रांग रूम बनाया था, वो लोग अपने सोना बैंक में नहीं रखते थे, घर में एक स्ट्रांग रूम बनाया था उसमें रखते थे। मेरे सास की देहांत होने तक उसने ना चाबी का गुच्छा अपने
कमर पे ही लटका कर रखा था। देहांत होने के बाद बुच्छा हमने लिया है, तो हमने पंडित जी से पूछा, तो पंडित जी ने कहा है जब सासू माँ के देह को लेके आएंगे मुर्दे को, उसके पहले कील टोक देना, नहीं तो उसका प्रेतात्मा अंदर आ जाएगा। बताइए, बिचारी माँ 15 साल की उम्र में विधवा हो गई थी, पूरी जीवन अपने बच्चे के लिए सारी प्रॉपर्टी संभाल के रखी, जब वो चली गई वो वापस नहीं आए, इसलिए क्या कर रहे हैं? बताइए, आपने कितना भी कमाया मेरे बच्चे के लिए, मेरे पोते के लिए, उनके लिए, इनके लिए, अगर आप एक बार जाके वापस आई, आपको कोई अंदर आने दिया तो देंगे क्या? कोई नहीं देंगे, कोई नहीं आने देंगे। इसलिए अपने अगली जिंदगी के लिए, और हम लोग क्या करते हैं, किसी की देहांत होने के बाद उनके नाम पर दान करते हैं। उनके नाम पर दान करने से उनको क्या मिलेगा? उनको नहीं मिलेगा, जीते जी जिसने जो किया उसी को वही मिलेगा, उसके जाने पर जो करेगा उसको मिलेगा, ठीक है ना? इसलिए हमने अपने बच्चों के लिए, बहुओं के लिए, पिता के लिए, माता के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए सब कुछ किया, अपने लिए क्या किया? अरे अपने लिए जेवर बनाया, साड़ी खरीदा, ये शरीर के लिए किया, अपने लिए क्या किया? कुछ अच्छा बोला, कुछ अच्छी बातें किसी को सुनाई, कुछ देर बैठ के भगवान को याद किया, जिसने इतना सब कुछ दिया उसका धन्यवाद किया, तो क्या लेके जाने वाले हैं हम? बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, और एक दिन गया, क्या लेके गया? खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा, भरोसा नहीं जीवन का, पल में बुझ जाएगा। क्या पता अभी मैं बात कर रही हूं, अभी मैं चली जाऊं, क्या पता? पता है क्या अगली? इसीलिए ना मनुष्य जीवन भी बहुत विचित्र है। आप लोग यहां आए हो, अभी जाते ही क्या करेंगे, दही जमाएंगे, माताएं कल के लिए दही चाहिए, जमाती कि नहीं जमाती है? आपको पक्का है कि कल आप दही खाएंगे? नहीं है, फिर भी इतना हमें उम्मीद है, इसलिए हम दही जमाते कल के लिए, है कि नहीं? कल की तैयारी करते, यही तो जीवन है। तो जब कल के लिए दही जमा रहे हो, कल की तैयारी कर रहे हो, तो अगले जीवन के लिए क्या तैयारी कर रहे हो? बताओ मुझे, क्या तैयारी कर रहे हो? कुछ नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्वायान चक्षुश्चैवांतरे ब्रूहो, अंतिम समय तक सभी तरह से खुद को तोड़कर, बुद्धि को मेरे में लगाकर, मुझे याद करने का अभ्यास करते रहो। प्रयाण काले मनसा चलेना भ्रुवोर मध्ये, जाने का समय जब आए तो मन यहाँ हो, कहाँ हो? भ्रुव मध्य में, अपने स्वरूप में स्थित रहे। दुनियादारी की बातें तो ठीक है, लेकिन साथ क्या आना है, इसकी भी थोड़ी सी तैयारी जरूर करो। करेंगे? थोड़ी सी तो करो। 24 घंटे में से घंटे में एक एक मिनट निकाला तो 24 मिनट मिल जाएगा, कम से कम आधा घंटा तो चाहिए अपने लिए। वैसे तो चाहिए 8 घंटा शरीर की नींद के लिए, 8 घंटा खा कमाने के लिए, 8 घंटा आत्मा के लिए देना चाहिए, भगवान का हिसाब ये है। लेकिन ठीक है, शुरुआत आधा घंटे से तो करो। इसलिए गीता में भगवान ने बार 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 ये कहा है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। उसी एक ईश्वर की शरण में जाओ, उसी की शरण में आने से शाश्वत स्थान परम धाम की प्राप्ति होगी और परम शांति की महसूसता कर सकोगे। इसलिए श्रीमद् भगवद् गीता का मूल उद्देश्य क्या है? मोह मुक्त होना। अभी एक बात बताइए मुझे, जितने भी यहां भाई बहने बैठे हैं,
आपको अपने बच्चों पे, अपने पति पत्नी पे, संबंधों पे प्रेम है कि मोह है? प्रेम है, मोह है, इसमें से कौन सा है? मेरी बात समझ में आ रही है? बंगला बोलना नहीं आता मुझे, मोह है। देखिए हमारे बुजुर्ग पक्का सच बोल रहे हैं, मोह है। हम समझते प्रेम है, लेकिन वो प्रेम नहीं है, मोह है, जिसके कारण हम दुखी होते हैं। इसलिए दुखों से मुक्त होने के लिए हमें प्रेम स्वरूप में रहना है, मोह स्वरूप में नहीं। इसलिए अर्जुन ने भी अंत में यही कहा है, नष्ट मोह स्मृतिर लब्धत प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मिगत संदेह करिष्ये वचनम तव। आपकी बातें सुनकर मेरा मोह नष्ट हो गया, आपकी स्मृति मिल गई, संदेह सारे मिट गए, जिंदगी भर आपकी बातों का मैं अनुसरण करूंगा। और एक खूबसूरती बताऊं मैं गीता की आपको, 18वें अध्याय में वेदव्यास जी ने एक बात लिखी है, इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। बहुत गुह्य गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे दे दिया, अब जैसे चाहे वैसे कर ले, तो करना है तो कर, नहीं करना है तो नहीं कर, तेरे ऊपर करो करना ही है। देर इज नो ऑर्डर, देर इज नो कंडीशन। करेंगे ये, करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, ये नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। ये सारा सुनाने के बाद करना ना करना किसके ऊपर जिम्मेवारी रखा भगवान ने? हम पर, क्योंकि जो हम करेंगे हम पाएंगे। भगवान न करने वाला न करोति न लिप्यति, करता भी नहीं है, लिपायमान भी नहीं होता है। हम करते हैं, कर्म बंधन में हम ही आते हैं। तो इसलिए भगवान को याद करके कर्म करना है या बिना याद के कर्म करना है, वो हमारे ऊपर निर्भर है। तो आज हम क्या संकल्प करेंगे भगवान के सामने? आज से हमारा कर्म योग में बदलेगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? वैसे तो कह देते हैं कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। सच में कर्म पूजा ऐसे मान के चल रहे हैं क्या हम लोग? सवेरे मैंने एक एग्जांपल शायद सुनाया था, हमारे कर्नाटक गवर्नमेंट के सेक्रेटरिएट के ऊपर, सेक्रेटरिएट होता है ना गवर्नमेंट के स्टेट कैपिटल में, वहां बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट वर्क इज गॉड्स वर्क, सरकारी काम भगवान का काम है, लिखा हुआ है बहुत बड़े बड़े अक्षरों। एक बार क्या हुआ था, हमारी संस्था के एक पेपर गई हुई थी बैंगलोर, अंडर सेक्रेटरी के टेबल पर थी, मैं जाके मिल के आई, सर हमारा पेपर आया है, इसे जरा पास कर देना। एक महीना हो गया, दो महीना हो गया, तीन महीने हो गए, पेपर हिले ना, उसी के ऊपर पड़ी है। तीन महीने के बाद फिर गई, मैंने पूछा, क्योंकि आपको पता है सरकारी दफ्तरों में पेपर कैसे चलते हैं, कैसे चलते हैं, पहिए लगते हैं तो चलते हैं, है ना? हम ना पहिए लगाने वाले हैं लेकिन चलाते जरूर है। फिर मैं जाके हायर ऑफिसर सर सेक्रेटरी साहब से मिली, मैंने कहा साहब बाहर तो इतने मोटे मोटे अक्षरों में लिखे हैं कि सरकारी काम भगवान का काम है, अंदर तो काम ही नहीं हो रहा है, ये क्या बात हुआ? साहब बहुत मुस्कुराते हुए बोले, दीदी आप जो कह रहे हैं ना वो सच है, सरकारी काम भगवान का ही काम है, इसलिए हम भी कहते हैं कि भगवान ही करे, हम क्यों करें? बताओ, सरकारी काम भगवान का काम है तो भगवान को ही करने दो, हम क्यों करें? भगवान का काम समझ के करो। तो ठीक है, गीता में एक कंडीशन है, श्रद्धया परयोपेता तेमे युक्ततमा मतः श्रद्धावान अनसूयश्च। भगवान को श्रद्धा से याद करो, श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। तो यथार्थ पहचान के बिना श्रद्धा नहीं हो सकती है, विश्वास के बिना श्रद्धा नहीं बढ़ सकती है। तो राजयोग का अभ्यास करने के लिए खुद को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना, चार बातें जरूरी है, परिचय, निश्चय, संबंध, प्यार और प्राप्ति, पांच बातें। भगवान को याद करने के लिए पांच बातें चाहिए राजयोग के अभ्यास के लिए। पहली है पहचान,
मैं कौन हूं और वो कौन है। दूसरा है निश्चय, विश्वास। तीसरा है वो हमारा क्या लगता है। चौथा है उनसे हमें प्राप्ति क्या है। पांचवा है उनका और हमारा आपस का प्यार कैसा है। इन पांच बातों के आधार से ही हम राजयोग का अभ्यास कर सकते हैं। अभी तो गीता ज्ञान के माध्यम से हमने खुद को जाना, आत्मस्वरूप को जाना। परमात्मा परम ज्योति स्वरूप है, सब आत्माओं का एक ही पिता है, सब धर्म वाले एक ही पिता परमात्मा को मानते हैं। कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई ओंकार कहता है, कोई जेहोवा कहता है, लेकिन है तो एक ही है ना, भगवान तो एक ही है। जैसे हम बचपन में लड़ते थे, मेरे घर का चांद तुम्हारे घर का चांद, है ना, एक बर्तन में पानी रखते थे, चंद देखते थे, ये मेरे घर का चांद है, तुम्हारे घर का चांद उधर है, लेकिन है तो चांद एक ही है ना, बचपना था वो। इसी तरह हम जो भगवान के नाम पे लड़ते हैं वो भी बचपना ही है। है तो भगवान एक ही, सबका मालिक एक है, सब आत्माओं का पिता एक ही परमात्मा है, ये स्पष्ट परिचय है। और हम सब आपस में भाई भाई है। भारत का एक बहुत सुंदर संदेश है, वसुदैव कुटुंबकम अयम निज परो वेत्ति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुदैव कुटुंबकम। ये पूरी धरती ही एक कुटुंब है, एक परिवार है, हम सब इस परिवार के सदस्य है। इसका यजमान, इसका मालिक स्वयं परमात्मा है। परमात्मा इतने बड़े परिवार को संभालने के लिए एक व्यवस्था बनाया है, वो है हमारा घर गृहस्थ। भगवान के सब बच्चे हैं, अकेला नहीं संभाल सकता, तो उसने डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया। एक घर में चार है, एक घर में पांच है, एक घर में दस है, लेकिन ये सब है किसके बच्चे, सब है किसके संतान, सब है किसका परिवार, उसी विधाता ज्योतिर्बिंद स्वरूप परमात्मा शिव के संतान है। इसलिए इस यथार्थ परिचय के आधार से, विश्वास के आधार से, प्यार के आधार से, और परमात्मा से कितनी प्राप्ति मिलती है, अगर आप एक बार परमात्मा से बातें करेंगे, जुड़ेंगे, तो दुनिया में आपके पास पूछने के लिए, मांगने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि भगवान ही साथी है, तो और क्या चाहिए। दाता ही हमारा है तो मांगे किससे फिर। इसलिए अपने को सुखी बनाने के लिए, अपने को खुश रखने के लिए, अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए, अपना धर्म पुनः जागृत करने के लिए हम एक ही पिता परमात्मा को याद करेंगे, उसी की शरण में आएंगे, उसी का सम्मान करेंगे। ठीक है, मंजूर है सभी को जी। 3 दिन से हम और आप सभी आपस में बैठ के भगवान की बातों का चिंतन कर रहे थे ना। अच्छा लग रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लग रहा था इतने तक ही रखेंगे या हम अच्छा भी बनेंगे, बताओ क्या करेंगे। वहां कहा, कर्नाटक से एक दीदी आई थी, बहुत अच्छा सुनाया आपने, मुझे शाबाशी दे दी, लेकिन इससे आपको क्या फायदा हुआ, आपका जीवन अच्छा बना। जो खुशी मुझे मिली है, जो खुशी, जो प्राप्ति मैंने पाया है, वो आपको भी पाना है कि नहीं पाना है, पाना है। कौन कौन चाहते हैं जो मुझे प्राप्ति मिली है आपको भी मिले। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको पता है हमारी संस्कृति में हम किसी से कुछ सीखते हैं तो उनको गुरु दक्षिणा देते हैं, पता है, देते हैं ना गुरु दक्षिणा। अभी जगत का गुरु, सब का गुरु, सद्गुरु परमात्मा है, गीता ज्ञान दाता है, परमेश्वर है, उसके ज्ञान को मैंने आप तक पहुंचाया है, तो उस गुरु को आप लोग गुरु दक्षिणा देंगे। कौन कौन कहते हैं 3 दिन जो ज्ञान परमात्मा का मैंने आपको सुनाया उसके आप गुरु दक्षिणा देंगे, कौन कौन देने को तैयार है। बटवे को नहीं चेक कीजिए, पैसा नहीं मांग रही हूं मैं आपसे, पर्स लाए कि नहीं देखना,
कौन कौन है जो 3 दिन से सुने और परमात्मा को गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार है? अभी जरा बड़े हाथ उठाइए, मैं देखूं तो सही कौन कौन उठा रहा है और कौन कौन कंजूस बैठा है। कंजूस तो नहीं है ना, सब तैयार। अच्छा अब सुनिए, क्या गुरु दक्षिणा देनी है? देंगे ना, पक्का मुकर नहीं जाएंगे ना? अभी 3 दिन से हम सुन रहे थे, अच्छा भी लग रहा था, खुश भी हो रहे थे। अगर ये खुशी कायम रखनी है, जीवन को खुशहाल बनाना है, परमात्मा को साथी बना के चलना है, तो और 3 दिन एक एक घंटे का आप समय दीजिए। यही मेरी परमात्मा के लिए आपकी गुरु दक्षिणा होगी। कौन कौन है जो और 3 दिन टाइम देने के लिए तैयार है? अब हाथ उठाइए, अब कम हो रहे हैं हाथ। नहीं, हिम्मत कीजिए, भगवान ताकत देगा। उठाइए उठाइए, पक्का गुरु दक्षिणा देने में चूकना नहीं चाहिए, ठीक है? अच्छा अब अपने लिए ताली बजा दीजिए। वाह वाह, अभी 3 दिन कहां कैसे आप लोग गुरु दक्षिणा देंगे उसका स्पष्टीकरण आपको बहने देंगे। ये जो 3 दिन का गीता ज्ञान यज्ञ चला, इस यज्ञ की पूर्णाहुति 3 दिन के बाद होगा। तो इस ज्ञान यज्ञ में और 3 दिन आपको बैठना है और ज्ञान को पूरी तरह से सुनना है, राजयोग की पूरी तरह से शिक्षा लेनी है। बाद में अगर उसका करना है नहीं करना है आपके ऊपर, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन सीखने के लिए तो हम आपको इनवाइट कर सकते हैं। लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एनी साइड। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। अच्छे विचार दुनिया की किसी भी कोने से मेरे पास आए और मेरा जीवन सुलझ जाए, ये तो जानते हैं ना, ये तो मानते हैं, ठीक है? इसलिए कल से, कल परसों तरसों 3 दिन योग शिविर चलेगा। राजयोग की बातें जो भगवान ने सिखाई है वो आपको बहने सुनाएगी। ऐसे नहीं सोचना दीदी चली गई, देखिए ये एक माइक है, पता नहीं ये कौन सी कंपनी का माइक है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे जरूरत भी नहीं समझे। ये माइक ने मेरी आवाज आप तक पहुंचाई, बस इतना काफी है। ऐसे मैं भी एक माइक हूं भगवान का, भगवान की आवाज मैंने आप तक पहुंचाई है, मैं एक माइक हूं बस। आवाज किसकी है? भगवान की है। और कल दूसरा माइक होगा, उनका भी आवाज भगवान का ही होगा। इसलिए कंपनी नहीं देखिए माइक का, आवाज सुनना चाहिए बस, ठीक है? मंजूर है? अभी अपना दाएं हाथ आगे कीजिए, सभी दाएं हाथ आगे कीजिए, राइट हैंड राइट हैंड राइट हैंड पीछे लीजिए। वाह 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 वाह। इसलिए स्वयं गीता ज्ञानदाता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर हम सबको अपना बनाकर, कोटों में कोई में भी कोई में से हमें ढूंढ कर निकाल कर गीता ज्ञान सुनने के लिए यहाँ तक बुलाया है। एक बार सब खड़े होकर उस परमात्मा के लिए जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे। हाँ, जोरदार ताली बजाकर। जोरदार जोरदार। थैंक यू। अभी आगे का शिविर कैसे चलेगा, कहाँ चलेगा और आप सबको आना है, मैं पक्का आप सबकी, आप आए कितने लोग आए ये मैं पूछूंगी, और वहां से ही आपको संकल्पों से शुभ चिंतन भेजूंगी। बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए।